जैसे रहाब वेश्या जो वैश्य थी, क्या थी? वो जानती थी कि इनका परमेश्वर क्या है, वो जानती थी। देखो जो जो परमेश्वर पर विश्वास भी नहीं करती थी, एक वैश्य औरत जब उस देश का वो भेद लेने गए, तो वैश्या जानती थी कि इनका परमेश्वर बड़ा सामर्थ्य है, जो मिश्र से बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करके इन्हें लेकर आया। क्योंकि जिस देश से वो आए थे, बोलो क्या थे? उस देश का राजा फिरौन था। फिरौन का मतलब वर्ल्ड की सब देशों के ऊपर जो राजा होता है, जो वर्ल्ड पावर उसे बोलते हैं, वो मिश्र के राजे के पास थी। किसके पास थी? मिश्र के राजे के पास थी। जैसे हम बोलते हैं कि सब देशों से, जैसे अमेरिका देश को क्या बोलते हैं, हाँ, ऐसे उस समय मिश्र वर्ल्ड पावर देश था, और उसका जो ऐसा होता था उसे फिरौन नाम देते थे। उस राजे को क्या नाम देते थे? फिरौन नाम, फिरौन। और वो जानती थी कि जिस देश से जो निकले हैं वो कोई मामूली सा देश नहीं है, कोई मामूली सा राजा नहीं है, पर इनका परमेश्वर जिस पर ये विश्वास करते हैं वो कितना पावरफुल है, कितना शक्तिमान परमेश्वर, हाँ, जो उन्हें वहां से छुड़ाकर लेकर आ गया उस मिश्र के राजा से। तो वो जानती थी वैश्या, इसलिए वो अपने राजा से नहीं डरी। जिस देश कनान में मैं रहती थी वो वैश्या, उससे भी वो डरी नहीं है कि अगर इस देश के राजा को पता चल गया तो वो मुझे घात करे, उसने उसकी परवाह नहीं की। क्योंकि वो जानती थी कि अगर परमेश्वर वहां से निकाल कर लेकर आया तो ये नीचे ये देश भी हमारा ले लेंगे। इसने एक वैश्या ने, बोलो क्या है, उस परमेश्वर का भरोसा किया जिसके बारे उस भेतियों ने, जो वो गए थे भेत लेने के लिए, जब बताया तो उन्हें अपनी छत पर छिपा रखा। फिर उन्हें बोला तुम पहाड़ पर चले जाना, 3 दिन तक रुके रहना, और फिर उन्होंने भी कहा जब हम आएंगे तो हम भी वादा करते हैं, हाँ, तुम्हारे हम घराने को नहीं मारेंगे। क्या नहीं मारेंगे? तुम्हारे घराने को, तुम्हारे लोगों को नहीं मारेंगे, हम भी तेरे से वादा करते हैं। क्योंकि उसका घर शहरपनाह से जुड़ा हुआ था। देखो, एक वैश्या जानती थी, जो परमेश्वर पर विश्वास भी नहीं करती, पर वो इतना जानती कि जो परमेश्वर मिश्र से लेकर आया है वो सर्वशक्तिमान। और आपको कितना विश्वास करना चाहिए।